जय गुरुदेव महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं आज दिनांक 17 अगस्त सन 2023 है महर्षि संवत्सर एक चल रहा है विक्रम संबद्ध दो के अंतर्गत दक्षिणायन वर्षा ऋतु शुद्ध श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है चार बजकर पाँच मिनट दिन पर्यंत रहेगी तत्पश्चात द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी आज दिन गुरुवार है आज मगहा नक्षत्र है सात बजकर छियालीस मिनट रात्रि पर्यंत तत्पश्चात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा आज परिग योग है आठ बजकर छब्बीस मिनट रात्रि पर्यंत तत्पश्चात शुभ योग शुरू होगा आज बवकरण है चार बजकर सात मिनट दिन पर्यंत तत्पश्चात बाल अपकरण शुरू होगा सूर्योदय का समय है पाँच बजकर चौंतीस मिनट प्रातः सूर्यास्त का समय है छः बजकर छब्बीस मिनट सायं काल का समय है आज एक बजकर तीस मिनट दिन से प्रारंभ होगा तीन बजे तक राहु काल रहेगा इसी क्रम में द्वास राशियों का फल सर्वप्रथम मेष राशि कई तरह की उपलब्धियों में आप बिजी हो सकते हैं रुके कामों में तेजी आएगी परिवार के लोगों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा धार्मिक आयोजन का भी विचार बनेगा आज हर तरह की यात्रा स्थगित रखें इसका कोई भी नतीजा हासिल नहीं होगा और अपने काम पर ध्यान दें वृषभ राशि पारिवारिक गतिविधियों में थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे आर्थिक स्थिति बेहतर करने की कोशिश सफल रहेगी प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे उनका सहयोग आपके जीवन में मिलेगा आपके व्यापार में मिलेगा और आपके वो सहयोग भी करेंगे मिथुन राशि दिन का ज्यादा समय घर के रखरखाव में बीतेगा धार्मिक जगहों पर आप सेवा दे सकते हैं जिससे मानसिक सुकून और शांति मिलेगी कोई रुका हुआ सरकारी काम पूरा होने की संभावना है किसी इंसान की वजह से परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो सकती हैं इससे आप में तनाव और चिड़ियापन रह सकता है धैर्य रखें इसका असर आपके परिवार पर पड़ सकता है और शांति से कोई कार्य निपटाएं कर्क राशि प्रैक्टिकल सोच रखें संतुलित रवैये से आपको फायदा मिलेगा थोड़ा समय एकांत में या ध्यान साधना के क्षेत्र में बिताने का प्रयास करें इससे आपको बड़ी शांति मिलेगी भविष्य को लेकर विचार विमर्श होगा अनहोनी होने का डर आपके मन में रहेगा नज़दीकी लोगों रहे। से बातचीत करते समय सावधान रहें गलत फहमियों की वजह से संबंध बिगड़ सकते हैं कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी सिंह राशि आज ज़्यादातर समय परिवार के साथ बिताने से सुकून और खुशी मिलेगी भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण नीतियाँ बनेगी बड़े लोगों के अनुभव अपनाएं। स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर गंभीर रहें दोपहर बाद हालत थोड़े प्रतिकूल हो सकते हैं धैर्य रखना होगा जल्दबाजी के कार्य से हानि संभव है कन्या राशि संपर्क सूत्र अथवा मीडिया के माध्यम से कुछ नए विषयों पर जानकारी हासिल होंगी पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में उचित सामंजस्य रखने से कार्य तथा समय संपन्न हो जाएंगे विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज की गतिविधियों में रुचि रहेगी सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है ज़्यादा सोच विचार करने में समय न लगाएं तथा अपना आत्मविश्वास बनाए रखें बैंक या निवेश संबंधी कोई काम ना होने से मन को थोड़ा सा दुखित हो सकते हैं इस पर थोड़ा धैर्य कार्य लें तुला राशि खुद को जायजते परखते रहें आज आप बहुत भावुक रहेंगे दूसरों की मदद करने से आपका सम्मान बढ़ेगा स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा माहौल के मुताबिक खुद को ढाला ना सीखें ज्यादा अडियल रखना ठीक नहीं है युवाओं को भविष्य के प्रति सजग रहना जरूरी है दूसरों की मदद के साथ परिवार का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है वृश्चिक राशि अत्यधिक जिम्मेदारियां रहेंगी परंतु आप उचित व्यवस्था बनाकर हल भी निकाल लेंगे संतान की ओर से कोई भी शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता पूर्ण वातावरण रहेगा परिवारजनों के साथ कोई मनोरंजन अथवा धार्मिक प्रोग्राम भी आपका बनेगा भाइयों के साथ अगर कोई आपका विवाद है तो क्रोध की वजह से आपसे सामंजस्य सुलझाएँ वह संबंध मधुरता में बदल सकता है राशि अनुभवी इंसान का मार्गदर्शन मिलेगा आप सुकून महसूस करेंगे आपकी सफलता के रास्ते खुल सकते हैं इससे चिंता दूर होगी कामकाज और परिवार में तालमेल बनाकर रखना आपके लिए चुनौती भरा रहेगा नज़दीकी दोस्तों और के साथ संबंध और भी बेहतर बनाने की कोशिश करें किसी रिश्तेदार की समस्या को सुलझाने में उसका मदद मिल सकता है मकर राशि घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशनुमा माहौल बनेगा निजी काम रुका हुआ है तो पूरा होने की संभावना है साथ ही कुछ लोगों से आपको फायदा मिलने की उम्मीद है अपरिचित लोगों को जल्दी ही अपने बारे में विशेष जानकारी नहीं दें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई पुरानी नकारात्मक बात का असर आपके काम पर पड़ सकता है किराएदारी मामले में विवाद की स्थिति बन सकती है थोड़ा ध्यान रखें कुंभ राशि विपरीत परिस्थिति बनने पर हिम्मत बनाए रखें इससे समस्याओं से रास्ता खोजने में आसानी होगी घर के बदलाव संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी बच्चों के मार्गदर्शन में विशेष सफलता मिल सकती है मीन राशि घर की मरम्मत और सजावट में खर्चा ज़्यादा हो सकता है साथ ही आपकी इनकम का रास्ता भी खुलेगा बुजुर्गों का अनुशासन घर में रहेगा मार्गदर्शन भी मिलेगा विवादित स्थिति बढ़ने पर तुरंत सुलझाने की कोशिश करें पुलिस की कार्रवाई होने की आशंका है पैतृक मामला चल रहा है तो बहुत सावधानी से निपटाएं, स्टूडेंट्स पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें इसी के आज का पंचांग और फलाद इसके साथ इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं जय गुरुदेव जय महर्षि